मतलब कि पार्टी ने बरेली का उम्मीदवार घोषित कर दिया है, प्रवीण सिंह फ्री में तो बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, सबसे बड़ी चुनौती है भाजपा से, आपकी क्या कहना चाहेंगे? चुनौती हमारी तो है ही, लेकिन जनता की भी है। जनता भुगत रही है, पिछले 5 और 10 वर्षों से जनता ने महंगाई झेली, बेरोजगारी झेली, युवाओं ने, महिलाओं ने असुरक्षा झेली, उत्पीड़न झेला, और बहुत सारी जो तमाम जनता, कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है सिवाय चंद पूंजीपतियों के जिसको इस सरकार से लाभ हो। आज वो सब जनता का टाइम है, 5 साल में एक बार मिलता है, जनता जवाब भी देगी और सबक सिखाएगी। और कभी दोबारा जो लोग कह रहे हैं ना 30 वर्ष और 20 वर्ष हम रहेंगे, उनको पता चल जाएगा। सर, पुरानी रणनीति से आप चुनाव जीते थे भाजपा कराने के बाद, इस बार की किस तरह की रणनीति रहेगी? 8 बार के सांसद हैं, क्या लग रहा है शहर में विकास हुआ उनके, और नई आप किस तरह से विकास कराएंगे अगर उम्मीदवार बनाए जाते? पूरी सभी जनता को पता है, पूरे जिले की, शहर की बात नहीं है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में माननीय संतोष जी 8 बार जीतने के बाद कुछ नहीं कर पाए। इतनी बड़ी विफलता, इतना विफल कार्यकाल, इतना लंबा, आप समझिए एक तरह से अगर माना जाए तो 40 साल का जो कार्यकाल है उसमें कोई नतीजा सामने ना हो, पब्लिक हताश है, बस वोटों के बिखराव का फायदा, मिसगाइड करना, कभी पुलवामा के नाम पर, कभी किसी और नाम पर, ये जीतते रहे हैं, लेकिन अब की बार इस तरह का कोई हथकंडा नहीं चलेगा। ऐसे क्या माना जाए, देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं 300 से पार इस बार? मैंने वही कहा कि वो डिमोरलाइज करने के लिए, विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं कि हम 370 से पार हो जाएंगे, हमारा गठबंधन जो है 400 पार करेगा। तो ये उनकी रणनीति है, लेकिन जनता की आवाज के सामने, जनता की जो एक आंदोलन खड़ा कर रही है, जनता जैसे अपने हाथ में चुनाव को ले रही है, उसके आगे कहाँ चलेंगे ये सब नारेबाजी, जुमलेबाजी? वो तो उन्होंने खुद ही कहा हमारे जुमलेबाजी है। जब पिछली बार कहा गया भाई 15 लाख रुपए कहाँ है, तो अमित शाह जी ने खुद कहा वो तो जुमले थे, तो वही सब जुमले हैं अभी भी। 370 भी जुमला है, डिमोरलाइज करना, हतोत्साहित करना, तो थोड़े लोग हैं जो समृद्ध है, उनको मोदी जी का टीवी पे चेहरा और वो सब अच्छा लगता है, लेकिन जो भुगत रहे हैं उन्हें पता है वो चेहरा की नीतियां क्या है। क्या माना जाए, अगर गठबंधन होता है तो सीट के लिए कितना फायदा मिलेगा? गठबंधन तो आज 5 बजे अनाउंस हो रहा है, हो चुका है, और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि समाज के विभिन्न वर्ग, लोकतंत्र में हरेक की अपनी अपनी राय होती है, अपना सोच होता है, अपनी पृष्ठभूमि होती है, तो वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या माना, भाजपा हमेशा कह रहे हैं कि अब तो राममय है प्रदेश, तो राममय तो हम भी हैं, पहले से ही है भाजपा के लिए, तो चुनावी राम है 2009 के बाद, लेकिन राम में तो हम पैदा हुए थे तब से हैं, और हमारे माता पिता, हमारा देश, हमारी संस्कृति सैकड़ों सालों से है, तो राम में उनकी वजह से थोड़े ना है। राम तो कब से रामचरित मानस और अखंड पाठ और हम सब लोग करते कराते आते हैं, तो राम में तो पहले से ही, उसमें इनका क्या करना। अभी सर मैं देखो सुन रहा था आप चर्चा कर रहे थे ईवीएम को लेकर, क्या लग रहा है ईवीएम को लेकर, क्या आपको असमंजस ऐसी स्थिति बनी हुई है ईवीएम? नहीं, हमारी कोई असमंजस की नहीं है, हम ईवीएम के उसमें भी लड़ सकते हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन जनता का, जनता चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो, जनता को ज्यादा पारदर्शिता है, जनता में अभी भी साक्षरता का अभाव है, तो कभी कभी लोग जो है थोड़ा सा असमंजस में हो जाते हैं ईवीएम के सामने, और ये स्वाभाविक है, साइकोलॉजिकल भी है। तो अगर मोदी जी को इतना आत्मविश्वास है तो वो करें ना, अपनी ईमानदारी से चुनाव, उन्हें जीतने का पूरा भरोसा है, तो मोदी जी करा के दिखाएं। हम लोग तो तैयार हैं ईवीएम से भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ये बेईमानी ना हो पाए। तो ये थे आजादी पार्टी से प्रत्याशी प्रवीण सिंह का साफ तौर पर कहना है कि हम पहले से ही राम में हैं। संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।